न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। यूथ कांग्रेस के बैनर तले अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले अहिरवाल के युवा नेता एवं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव चिरंजीव राव 2 फरवरी को पटौदी में परिवर्तन रैली करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आज उनके मॉडल टाउन स्थित निवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। सम्मेलन में चिरंजीव राव के पिता एवं पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी शिरकत की। इस मौके पर कैप्टन अजय यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस रैली में पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा, कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर व नेता प्रतिपक्ष किरण चौधरी सहित अनेक तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। उन्होंने स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व विधायक रणधीर कापड़ीवास पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि लगातार इस क्षेत्र की अनदेखी करने के बाद अब दोनों नेता चुनाव नजदीक आते देख ये बयान देने लगे हैं कि 4 साल में सरकार में उनकी एक न चली। वहीं कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की अपने अपने क्षेत्रों में अहमियत है। अब समय की मांग है कि सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ें और कांग्रेस के लिए जीत हासिल करें। जींद उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव में अपना पूरा तंत्र झोंक दिया है। उन्होंने नेताओं के परिवार में बढ़ रहे परिवारवाद को सही ठहराया और कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की मांग पर प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया है। उन्होंने बसपा व सपा पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की मदद के लिए बिना उत्तर प्रदेश के दोनों सरकार नहीं बना सकते। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर केस दर्ज करने को राजनीति से प्रेरित बताया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सीबीआई जैसी संस्थाएं, आरबीआई है, आपका इलेक्शन कमीशन है, इवन जुडिशरी के अंदर भी जो है सब कुछ ठीक नहीं है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा है। महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। आज एमबीए पास लड़के क्लास डी के अंदर, क्योंकि इन्होंने 2 लाख रोजगार कहा था कि हम तो 2 लाख रोजगार कहा था इन्होंने देने के लिए एक साल, पूरे 4.5 साल में 40,000 से ऊपर रोजगार नहीं दिया। इसे दर्शाता है कि किस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ी है। विकास के नाम पर कोई ईंट नहीं लगी। यहाँ आप रेवाड़ी में देख लीजिए, मेवात में, गुड़गांव में देख लीजिए, कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ की जो एमपी साहब हैं उनके बारे में ये कहा जाता है वो कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अब जैसे ही 2 महीने बचे हैं तो अब वो लोगों के बीच में कहते हैं मेरी चलती नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे यहाँ के एमएलए हैं, ये लोग कहते हैं हमारी चलती नहीं है। तो भाई 4.5 साल बाद क्यों कह रहे हो चलती नहीं है। असली बात ये है कि 4.5 साल तक इन्होंने अनदेखी करी। एम्स के लोग आज गिरफ्तारी दे रहे हैं, मैंने वहां जाना है। और उधर जो है हमारी मोहनपुर की जो एक बेटी है वो 8 महीने से ऊपर से लापता है, तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान दुखी है, कर्मचारी सड़कों पे है। इन सब मुद्दों को लेके सरकार की जो बेरुखी रही है, जनता के प्रति जो अनदेखी करी, उन सब बात को लेकर हम लोग ये रैली कर रहे हैं। आपने कुछ हमारा जो बैकड्रॉप बना रहे हैं उसमें सब नेताओं की फोटो है। यहाँ किया था हमने महेश्वरी में, वहाँ भी सबकी थी फोटो, सबकी सब लगाएंगे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं है, फोटो उनकी लगा रहे हैं हम पीछे, बकायदा फोटो लगाए हमारे वरिष्ठ नेता है, उनकी फोटो लगेगी पीछे बैकड्रॉप की फोटो लगाएंगे। जो बड़ा हमारा जो पीछे बड़ा पोस्टर होगा उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, उनकी फोटो लगेगी। अब तक तो ऐसा है कि देखिए, हम लोग जो लोग 7 लोग हैं उनकी अपने अपने इलाके में उनकी अपनी अहमियत है। सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है कि मिलके ही सब कुछ चलता है और पार्टी को मजबूत करने के लिए समय की नजाकत है कि मिलके हम लड़ें। जिस प्रकार से हम जींद उपचुनाव में हम मिलकर लड़ रहे हैं, ये बात ठीक है कि वो उपचुनाव, क्योंकि सारी इसमें जो हमारी बीजेपी जो पार्टी है वो एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग कर रही है, धन बल का उपयोग कर रही है। एक जब एक उपचुनाव होता है उसमें सब कुछ, सारी ताकतें उन्होंने ढोक रखी है, मंत्री उनके, सारा पैसा तल पूरा अलग है, उसके बावजूद भी मुझे पूर्ण भरोसा है कि उपचुनाव हम लोग जीतेंगे। कुछ आप बताओ, हिमाचल में क्या उनके बेटा है वहां के मुख्यमंत्री का, इसी प्रकार से हर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उनके बच्चे चल रहे हैं। अब जो है आपका
अब जितने भी आपके नेता केंद्र राजनाथ जी हैं उनका बेटा राजनीति में है, ठीक है, पूनम महाजन जो है वो महाजन की जो है बेटी है, तो प्रियंका गांधी वरुण गांधी, प्रियंका गांधी वरुण गांधी उनकी पार्टी में नहीं है क्या? तो ये देखो, एक बार आप राजनीति में किसी को ला सकते हो, कामयाबी मिलती है नहीं मिलती है वो जनता के ऊपर है। मैं एक दफा बढ़ाऊ एमएलए अपने पिता के नाम पे, फिर बाद में तो जनता ने मोर लगानी है। और प्रियंका गांधी को तो 22 साल लगे पद मिलने के लिए पार्टी के अंदर, देखो उनका कितने साल से वो पार्टी के लिए काम कर रही है, 22 साल हो गए उनको पार्टी में काम करते हुए, और लोगों की ये मांग है, किसी को अगर वो चाहते हैं तो अच्छी बात है, आना चाहिए राजनीति के अंदर। देखो प्रियंका जी, अब लोगों की मांग थी कि उनको यूपी के अंदर उनको लाया जाए, यूपी क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, 40 सीटें उनके जिम्मेवारी डाली है, और बसपा और सपा की ये बहुत भारी गलती है, ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर वो वहां पर सक्सेस मिल जाएगी, उनको पुनर्विचार करना चाहिए, बल्कि अरे देखना चाहिए कांग्रेस के बगैर कोई बात बनने वाली नहीं है, कि ये सब राजनीति से प्रेरित हैं, जितने भी मुकदमे बन रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बन रहे हों, चाहे लालू प्रसाद जी के खिलाफ बन रहे हों, चाहे चिदम्बरम के खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, ये सब राजनीतिक प्रेरित तो है ही। जब हुड्डा जी जिस दिन रैली में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जिस दिन रैली थी पार्टी की, उसी दिन इनको सीबीआई क्रिएट कर रही थी, इसे तो साफ तौर पर चलता है कि भाई राजनीति से प्रेरित है कांग्रेस। वो एक दिन बाद भी कर सकते थे या एक दिन पहले भी कर सकते थे, पर उसी दिन करना। अब वीरभद्र जी की भी जिस दिन बेटी की बारात निकल रही थी उसी दिन उनके घर के ऊपर छापा मारना, मतलब कि इससे तो पता चलता है कि तो वेंडेटा पॉलिटिक्स की हद हो गई है। उसकी जनता जवाब देगी उसका, जिस प्रकार से इन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे अपने, जो इन्होंने सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए, चिरंजीव ने सारे एग्जाम्पल दिए आपको, इससे ज्यादा और बड़ा एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? जनता जवाब देगी। जो ईवीएम है, हम चाहते हैं कि उसमें 50% ईवीएम जो मशीनें हैं उनमें वीपैट 50% जो है उसमें की उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए वोट्स की, तभी जाकर जो है फेयर इलेक्शन हो सकता है। आप यूएसए जो सबसे बड़ी जो हमारे लोकतंत्र है, यूके है, वहां पर जो बैलेट पेपर आज भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्यों जीत पे अड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन वाले? कराए बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है करवाने में? आप मंच की जो स्थापना करी थी ना रविंद्र जीत जी ने, वो उसी रामलीला मैदान से करी थी, तो हम भी जनता को इंसाफ दिलाने के लिए उसी जगह पे रैली कर रहे हैं, और जितनी उनकी भीड़, लोग कहते हैं अखबार में आया था कि ऐतिहासिक रैली थी, पर मुझे लगता है कि जितनी भीड़ उनकी थी उससे दुगनी भीड़ वहां होगी। नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो। बीते साल में आपकी जो कामनाएं अधूरी रह गई वो इस वर्ष पूर्ण हो। शांति, खुशहाली और विश्वास से भरे नए साल के लिए मेरी ओर से अनंत मंगल कामना।